भैया नए वीडियो में आपका स्वागत है। एक और आज का प्लान है, कहाँ का है भाई प्लान? मानसरोवर लेक जा रहे हैं। सुबह की बज रहे हैं अभी लगभग 9:30। निकल रहे तो 8 बजे लेकर निकल रहे हैं 10 बजे। और हमारा करिया दोस्त एक आगे जा रहा है। और इसके अलावा वो रहा अर्धकुमारी, देख सकते हैं गाइस। सुबह से आप दर्शन कीजिए अर्धकुमारी के। बाकी हम और स्टॉप करिए, सब लगा जा रहे हैं। अपने दोस्त जे जा रहे हैं, देख सकते हैं 4 लोग हैं, 2 लोग हम लोग हैं और 2 लोग आ रहे हैं पीछे। बाकी धूप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे तो धूप निकली हुई है। ललितपुर का पता नहीं है कि ललितपुर में धूप। चलो भैया, सब जने पहुंच चुके हैं, मिल चुके हैं, 8 लोग हैं। मैं गौरव नामदेव भाई, एक जगह खाना खाया, यहाँ पे टेंट लगा था और यहाँ पे उनका सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया है। शादी में आए थे और फिर दूसरे की शादी थी, पता नहीं किसकी शादी में घुस गए थे जी। साथ में मेरे फ्रेंड की शादी थी, भैया बाकी गाइस हम लोगों की गाड़ी आ चुकी है, जिससे हम लोग घूमने जाएंगे। ये रही अपनी गाड़ी, देख ही सकते हैं गाइस, ये रही अपनी गाड़ी, इससे जाएंगे घूमने के लिए। जय माता की। अपने अपने सफर में अपन चलेंगे वीडियो बनाते बनाते हुए। चलिए गाइस, अपन अपनी सीट पे बैठ चुके हैं सबसे आगे। आ चुकी अपनी कैब और बैठ चुके हैं अपन गाड़ी में। ये रहे हमारे भैया ड्राइवर भैया, बाकी सब लोग बैठ चुके हैं। फोटो क्लिक करो सबकी, इतने देखो भाई सब लोग, फोटो नहीं वीडियो बन रही डायरेक्ट। तो भाई हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, नीचे करो तो नीचे करो भैया, उठा लीजिए ऐसे ही नहीं है। रुक चुके हैं हाईवे पे, जम्मू हाईवे पे, और देख सकते हैं गाइस ये रही गाड़ी। कुछ खाने के लिए रुके हैं, चलो भैया कुछ खाते हैं। बाकी ये है एक थावाच जो कि हमारे ड्राइवर साहब ने सजेस्ट किया है, बाकी लगवा लो जो जो लगवाना हो। चलो भैया सब जने बैठ चुके हैं आलू के पराठा खाने के लिए, कि हल्का हल्का नाश्ता सा हो जाना थोड़ा सा, फिर इसके बाद देखेंगे कहीं और पे कि कैसा क्या कहाँ पे क्या खाते हैं वो भी दिखाएंगे। सबसे पहले मिली हमारे गौरव नामदेव से, जे रायता नहीं मिल रहा है इनके लिए, और तुम्हें कहाँ नहीं मिल रहा? नहीं नहीं, तुम्हें कहाँ खाना है? तुम्हें जो होता आलू पराठा, तुम कहाँ क्या होगा? आलू पराठा खाएंगे दाब के, जो तो देख ही नहीं रहो। नामदेव जी देखा और अचार आ चुका है, हम लोग ट्राई करते हैं। तो भैया समझ सकते हैं 3 लोगों को उल्टी हुई है, पहले नंबर पे गौरव नामदेव, नंबर सा लग रहा था लेकिन हमारे लिए बच गया अभी। इसके पहले कपिल सोनी, इसके बाद विजय शर्मा, इसके बाद मुन्ना भाई। बस कल क्या है, कल हम लोग घूमने जाएंगे तो बिल्कुल नाश्ता भी नहीं करेंगे, और फिर देखते किस किस को उल्टी होती है। हम तो करेंगे भाई, हम तो करेंगे भाई साहब, एक नंबर मजा आ गया। बता रहे सुनो, अपन मेरी आदर को तो काट रहा है। चलो यार पानी पी ले, हेडफोन मिल गया एक भाई, चला दियो। हमारे राजीव भाई चला रहे हैं, रुना रुना बस।
हमें तो अभी की चक्का तुम की चक्का ना भगन लगी हुई है पहाड़ पे ऊपर कैसे लगे चलो दौड़ ला रहे होते सबसे पचे सबसे भैया खाना खा लो खाना तो यानी प्राणी तो सबने खाए थे लेकिन कछु जने पचा नहीं पाए क्योंकि रोड ऐसे ऐसे घूम रहा है ना ऐसे घूम रहा है। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं मानसल लेक, बाकी पांच लोग जा रहे हैं आगे, हम तीन लोग हैं पीछे। चलिए दिखाते हैं आपके लिए मानसल लेक, फर्स्ट टाइम है ना ये। कटरा सिला वाला ड्राइवर साहब बता रहे थे हमारे 70-75 किलोमीटर के आसपास है, क्या था हर बार एक नई जगह ट्राई होना चाहिए। तो ऐसा जी से खर बाकी हमारे साथ है मिली गौरव नामदेव से, दो ही तो लड़का है जो ते छेद में लेगा। झूला लगे हैं यहाँ पे, बाकी गाइस देख सकते हैं लेक है वो तो। फाइनली पहुंच चुके हैं मानसल लेक के पास, देख ही सकते हैं गाइस अच्छी जगह है यार घूमने के लिए, बोटिंग वगैरह करने के लिए यहाँ पे। वो तो छोटा नैनीताल कह सकते हैं आप, बाकी ये बना है पार्क। अभी भैया देख ही सकते हैं यार मछली कितनी ज्यादा है यार, आ चुके हैं लेक के पास। कैमरामैन शिवम के साथ होल सोल टीम देख सकते हैं गाइस कितने ज्यादा लोग हैं। हेलो देखो दबरा दबरा कोई दबरा पीछे लोग नहीं दबरे थे। चलो भैया विजय के द्वारा फिल फोटो निकाल ली गई है और बाकी ये रही हमारी टीम पूरी आज लोगों की है। मैं समेत मिला के एक हमारा दोस्त था वो वापस घर पे चला गया, मैं समेत मिला के 9 जने था लेकिन 8 जने बची हैं अभी प्रेजेंट में। बाकी देख ही सकते हैं मानसरोवर लेक, देख ही सकते हैं गाइस पूरा नाम मैंने दिखा नहीं, बड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने, कुछ और नाम भी है इसका मानसल लेक। मानसल यहाँ पे मानसल लेक में है जू, सुबह से यहाँ पे आ चुके हैं। बाकी देखिए आपको मोर दिखाते हैं, देखिए ये बैठी है मोर, वो आगे है नीलगाय वगैरह। चलते हैं आगे और थोड़ा और क्या बात है यार, थोड़ा और वेरी गुड थोड़ा और हाँ थोड़ा वेरी गुड। चलो भैया आ चुके हैं सब लोग घूम के और इसकी फुल जानकारी मैं आपके लिए दे दूंगा, एक और पर्सनली वीडियो बना के। काफी घूमने के लायक तो अच्छी जगह है, आप कुछ ही देर में अपन लोग चलने वाले हैं, बस अपन लोग फोर व्हीलर में बैठेंगे, थोड़ी देर में हम लोग के मतलब समय ऐसा चालू हो जाएगा कि जिसमें जी बचना नहीं लगेगा। तो आप लोग कैसा लगा इधर पे आने का, अच्छा लगा कि नहीं, आप लोग खुद ही कमेंट में। चलो भैया लोगों ने अब जा रहे हैं फोर व्हीलर में जाके बैठेंगे और कुछ लोगों के लिए क्या होता है उल्टी, भैया फिर देखते हैं उल्टी होती है कि नहीं होती है, इनको लिए वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो चुकी थी, चार पांच बार इन्होंने आतंक मचा रखा है कार में भैया। बाकी देखो मिलते मिलवाते हैं आपको, जो सबसे ज्यादा उल्टी करी थी सबसे ज्यादा कपिल सोनी जी ने और उसके बाद गौरव नामदेव ने, इसके बाद विजय शर्मा ने, इन लोगों ने बहुत रिकॉर्ड तोड़े, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े। पेट में खा खा के मुंह से निकाला है, पेट में खा खा के मुंह से निकाला है, मुंह से निकाला है पेट। अभी थोड़ी देर में हम लोगों की आफत की घड़ी चालू होने वाली है, बस 10-15 मिनट रुक जाइए, केवल 10-15। बाकी का भाई तो कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, बस कुछ सड़कों का इंतजार है। कहा है ऐसी चीजें मन ज्यादा क्लोजली दिखाते नहीं है लेकिन अब दिखा देंगे अब जिसको उल्टी होगी फिर से। चलिए गाइस मिलते हैं फिर, बाकी पहुंचते हैं कटरा टाइम से क्योंकि यार कुछ आज मार्केट में कुछ कर ले क्योंकि सिर्फ थोड़ी जाएंगे तो लेट हो जाएंगे। और बाकी बस आ चुके हैं, वैसे यहाँ पे पार्किंग का काम लगा हुआ है,
अंदर पार्किंग ही बन जाएगी नई, और बस बाकी का अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो आ सकते हैं ललितपुर से लवल और कटरा से लवल और 70-75-80 किलोमीटर के आसपास है। बाकी टूरिस्ट प्लेस अच्छी है घूमने के लिए, अगर शाम के टाइम अगर यहाँ से लवल और अगर आप दिन में आ जाएं तो दिन में भीड़ नहीं रहती, शाम के टाइम थोड़ी सी 3 बजे के बाद भीड़ चालू हो जाती है। और बाकी देख सकते हैं गाइस, सकते हैं नाम बाहर से कुछ ऐसा सीन है यहाँ का। ये बैठ चुके हैं गाड़ी में, चलो भैया आ चुके हैं चौक पे। विजय भाई अपने बेच रहे हैं फोटोज मसूरी माँ वैष्णो देवी की।